हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ पालक आलू की बहुत ही टेस्टी और यूनिक सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है पालक और आलू। पालक को मैंने अच्छे से क्लीन करके वॉश कर लिया है और यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, इसे भी अच्छे से मैंने क्वार्टर में कट कर लिया है बड़ा बड़ा। तो देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर पालक कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है टमाटर, जिसे मैंने चॉप कर लिया है, और प्याज, इसे भी मैंने कट कर लिया है। तो चलिए सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल लिया है, ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे। इसमें डाला है मैंने जीरा, ये मैंने डाला है गार्लिक, जिसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था, सूखी लाल मिर्च, जिसे मैंने दो टुकड़ों में इस तरह से हाफ कर लिया है, थोड़ी सी हींग, और इसे हल्का सा भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर मैंने डाला है कटा हुआ प्याज, इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है। प्याज सॉफ्ट हो गया है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर डालनी है हल्दी। हल्दी को मिक्स कर लेंगे एक बार, और इसमें अब मैं डालूंगी आलू जो मैंने कट करके रखे थे। ये देखिए, मैं सारे आलू जितने मैंने कट करे थे इसमें डाल दूंगी। आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें पकाना है। यहाँ पर मैंने डाला है नमक, इससे आलू जल्दी पक जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे हमें चलाते रहना है थोड़ी देर, और इसे हमें लिड से कवर करके थोड़ी देर के लिए पकने देना है, जब तक आलू अच्छे से सॉफ्ट ना होए। बीच बीच में इसे हमें चलाते भी रहना है। थोड़ी देर हो गई है, एक बार इसे चेक कर लेते हैं। एक बार इसे अच्छे से चला देते हैं, और अब हम एक बार आलू चेक भी कर लेते हैं कि आलू अच्छे से पके कि नहीं। ये देखिए, मैं स्पून से चेक कर लेती हूँ और ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पे हमें इसमें डालना है टमाटर, जो मैंने टमाटर कट करके रखा था वो सारा टमाटर इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है आलू और टमाटर के साथ। इसे आप ढक कर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। एक बार इसे ओपन करके फिर से चला देते हैं। ये देखिए, कितना प्यारा सा कलर आ गया और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। इसे मैंने चला दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालने से सब्जी में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब इस स्टेज पे आलू 80% तक कुक हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो पालक हमने कट करके रखी थी, सारी पालक हम इसमें डाल देंगे। पालक में जो पानी होता है उससे जो 20% आलू जो कच्चा होगा वो भी पक जाएगा। अब इसे ढककर पालक को सॉफ्ट होने तक पकाना है और उसके बाद ही हम इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पर फ्लेम हम मीडियम रहने देंगे। तो चलिए इसे एक बार खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए, पालक अच्छे से पक गई है और ये रिड्यूस भी हो गई है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पालक बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है, तो आप इस तरह से सब्जी बनाएंगे तो आपके घर में सभी को पसंद आएगी। जो पालक नहीं भी खाता है वो भी ज़रूर खाएगा। पालक में हाई अमाउंट्स में पानी होता है, तो आप देख सकते हैं इसने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक ये जो पानी है वो थोड़ा सा कम ना हो जाए। विंटर्स आ गए हैं और पालक का सीज़न है, हमें ज़रूर कंज्यूम करनी चाहिए पालक। पालक में हाई अमाउंट्स में विटामिन्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी आइज़, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। बच्चों को तो आप ये सब्ज़ी ज़रूर खिलाइए। इसमें बहुत सारा विटामिन के होता है जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। आप इस तरह से सब्जी बनाइए या फिर पालक के पराठे भी बना सकते हैं। आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएंगे। आप देख सकते हैं पानी जो इसका था वो ऑलमोस्ट सारा जल चुका है, ऑलमोस्ट सारा कम हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और ये जो हमारी सब्जी है इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे कसूरी मेथी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ली है, इसे हम डाल देंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
कसूरी मेथी डालने से सब्जी में बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत ही अच्छी अरोमा भी आएगी। इसे हम थोड़ी देर के लिए लिड से कवर करके पकने देंगे। ये देखिए, अब चलिए इसे लिड से हम कवर कर देते हैं और इसे हम थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, एक बार इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, आलू पालक की सब्जी बनकर रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म पराठे या पूड़ी के साथ सर्व करिए, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसी ही और टेस्टी रेसिपीज़ आपके लिए ला सकें। कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।